तो दोस्तों ये मैंने जो इस वीडियो में बनाया है वायरलेस डोरबेल, तो ये डोरबेल बनाने के लिए कौन से भी दो बॉक्स लेने के आप उनको, और बॉक्स लेने के बाद एक बजर लेने का जो 30 रुपीज़ में मार्केट में ऑटोमोबाइल्स की शॉप पर आपको मिल जाएगा, और एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है। और उसके बाद जो ये बोर्ड लिए हैं तो उस बोर्ड के ऊपर हमें ये बजर फिट करने का, ये बजर फिट करने का, और उसे अच्छे से नट बोल्ट लगा के या फिर कोई भी स्क्रू वगैरह लगा के इसे अच्छे से फिट करने का, और फिट करने के बाद इसे बॉक्स में फिट अच्छे से कर देने का। आज जो मेरे पास जो RC रिमोट कंट्रोल वाली कार थी, तो उसके अंदर से मैंने जो एक रिमोट के अंदर से निकाला है, और एक दूसरा जो है बेल स्विच लिया है। बेल स्विच को भी हमें स्क्रू या नट बोल्ट लगा के अच्छी तरह से फिट कर लेना है। उसके बाद जो मैंने रिमोट कंट्रोल कार के अंदर से निकाला हुआ है, तो ये रिमोट के अंदर का मॉड्यूल है, तो उसे डायरेक्ट बैटरी, जो बैटरी के उस पर लिखा होता है बैटरी पॉजिटिव और बैटरी निगेटिव, तो हमें डायरेक्ट उसे जोड़ देना है। और जो ये स्विच के कनेक्शन है, तो ये स्विच के कनेक्शन हमें डायरेक्ट बेल स्विच को लगाने का है। बेल स्विच को लगा देने के बाद इसे अच्छे तरह से उस बॉक्स में फिट करके नट बोल्ट से फिट कर देना है। अच्छे से फिट करेंगे इसे हम नट बोल्ट लगा के, नट लगा स्क्रू लगा के स्क्रू। और आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर मैंने बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। और जो उसके बाद जो एक कार के अंदर रहती है ना रिमोट कंट्रोल कार के अंदर, तो ए वाली किट ए है, और इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव सब, मतलब बैटरी की वायर जो है उसके ऊपर भी लिखा होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव हमें डायरेक्ट जोड़ देने के। और उसके बाद जो मोटर के जो पॉजिटिव और निगेटिव वायर है, EM पॉजिटिव EM निगेटिव जैसे लिखा होता है ना, तो वो वाले पॉजिटिव और निगेटिव बजर के वायर हमको जोड़ देने के, डायरेक्ट जोड़ने के बजर के भी वायर। और आप जैसे ही मतलब बेल स्विच बजाएंगे तो ये मोटर चलेगी, मतलब कि ये बजर बजेगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.